स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.3, क्वेश्चन नंबर 3। यदि ए बी जो है समानांतर है डी ई के, ए बी समानांतर है डी ई के, ये दोनों समानांतर हैं, और कोण बी ए सी यानी ए पे बना होगा, या बीच वाला देखते हैं तो ए पे कौन सा कोण बना होगा, 35, बी ए सी 35, और सी डी ई 53। डी पे जो बना हुआ है ये हमें दिया हुआ है 53, सी डी ई 53, तो हमने क्या निकालना है, डी सी ई, डी सी ई ये हमें निकालना है। तो ये वाला कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये ए बी जो है समानांतर क्या दिया हुआ है, डी ई के। अगर ए बी समानांतर डी ई के हैं तो ये कोण और ये कोण जो ई पे बना हुआ है ये कोण बराबर हो जाएंगे। जैसे कि हमने समानांतर रेखाएं हैं, ये लाइन उसकी तिर्यक रेखा है, तो ये कोण अंत एकांतर कोण हो जाते हैं, एकांतर कोण, तो ये कोण बराबर होते हैं। अगर ये 60 का, ये तो 60 का नहीं, बड़ा होगा ना 90 से, तो 120 का है तो ये भी 120 का हो जाएगा। तो इसी वजह से कोण ए और कोण ई क्या हो जाएंगे, 35 डिग्री के दोनों, ठीक है। ये 35 का है तो ई पे भी 35 का बनेगा। तो यहाँ पे लिखा था ए बी समानांतर है डी ई के, तो कोण ए बराबर में कोण ई क्या हो जाएगा, 35, क्योंकि ई 35 है ना, तो ए बी क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। ए की वैल्यू पुट कर ली है हमने, रीजन भी लिख दिया, एकांतर कोण। ये कोण हमने क्यों निकाला है, क्योंकि एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज हम सी डी ई में लेंगे, त्रिभुज सी डी ई के अंदर क्या हो जाएगा, कोण सी, कोण डी प्लस कोण ई, ये तीनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे हमें डी कोण दिया हुआ है, डी की जगह 53 लिख लो, और ई हमने निकाल लिया है 35, वो इसकी वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 180, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 × 8, 5 × 8 88, कौन सी बराबर में 88, कौन सी प्लस 88 बराबर में 180, और अगले स्टेप में 88 उधर चला जाएगा, और 180 में से 88 माइनस करके देख लेंगे आप तो आ जाएगा 92, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 92 हमारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती हैं कि कोण पी आर टी 40 डिग्री है, पी क्यू और आर एस रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, टी पे कर रही हैं, और क्या दिया हुआ है हमें, पी आर टी ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है, आर पे देखेंगे ना, आर पे 40 डिग्री, ऐसे ही आर पी टी, पी पे क्या बना हुआ है, 95 डिग्री, और टी एस क्यू, एस के ऊपर देखेंगे जो बीच में है इस पे बना हुआ है 75 डिग्री। तो हमें निकालना है एस क्यू टी, एस क्यू टी ये एंगल हमें निकालना है। तो ये देखो एंगल निकालने के लिए बहुत आसान है, ये जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो हम यहाँ से इस कोण टी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और ये इसके बाद शीर्षाभिमुखी कोण से क्या हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा, इसका नाम हम एक दे देते हैं, फिर हम ये कोण दो जो हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं, त्रिभुज पी आर टी में, ये त्रिभुज पी आर टी में पी प्लस आर प्लस टी, कोण पी प्लस कोण आर प्लस कोण टी 180 हो जाएगा, रीजन हमने बता दिया है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पी की वैल्यू रखेंगे 95, आर की 40, और टी हम निकाल लेंगे, ठीक है, 95 में 40 जोड़ेंगे 135 आ गया, इनको जोड़ लिया 5 × 0, 5 × 9, 4 × 13, तो ये आ गया। इसके बाद 135 उधर ले जाएंगे, 180 में से 135 घटाएंगे, 45 डिग्री आ जाएगा। अगर कोण टी यहाँ पे कितने का आ गया है, 45 डिग्री। तो क्या होता है कि देखो इस तरह से अगर क्रॉस बनता है तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण। तो शीर्षाभिमुखी कोण बन रहे हैं यहाँ पे, देखो ऐसे क्रॉस बन रहा है ना, ये क्रॉस बन रहा है, तो ये 45 है, तो इधर कोण एक भी क्या हो जाएगा, 45। इसका नाम दे दो ताकि आपको इजी लगे, बार बार हमें एस टी
क्या वो ना लिखना पड़े। तो आप ऐसे नाम लिखते हो तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता है। तो कोण, तो कैसे आ जाएगा ये कोण एक बराबर में 45, ठीक है। कोण टी जो है, कोण टी इसको बोला है एंगल टी और इक्वल टू एंगल वन इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये 45 है, तो ये भी अगले स्टेप में 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टी और वन 45 हो गए शीर्षा भूमि के कोण, तो अब ये देखो हमें ये 45 पता है, ये 75 पता है, तो तीसरा कोण निकालना तो ईजी है, कोण दो जो हमें निकालना था, कोण दो निकालना था ना, हमने यहाँ पे इसको कोण दो मान लिया था एस क्यू टी को, या आप इसको एस क्यू टी भी लिख सकते हैं अगर आपको ये लगता है आसान। तो यहाँ से आ जाएगा कोण वन प्लस कोण एस प्लस कोण टू, इसमें क्या है कोण वन प्लस 45 प्लस कोण दो बराबर में 180। कोण एक कितना आ गया 45, वो लिख लिया। कोण एस, एस हमें 75 दिया हुआ है, वो लिख लिया, प्लस में कोण दो, इन दोनों को जोड़ लिया 45 और 75 को, तो कितना आ गया 120, ठीक है। जोड़ना है इसको 5 5 10 4 7 11 1 12, अगले स्टेप में इधर जाके माइनस हो जाएगा और कोण दो निकल आएगा। हमें कोण दो यानी क्या निकालना था, एस क्यू टी, तो लास्ट में हम लिख लेंगे कोण एस क्यू टी इक्वल टू 60, ये आ जाएगा आंसर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें कोण सी तो मैंने लिखा था इसको, वैसे इन्होंने बोला था डी सी ई निकालिए, डी सी ई, तो इसको बाद में इसको डी सी ई लिख सकते हैं, तो क्योंकि सी पे कोई और एंगल नहीं बन सकता, इसलिए कोण सी करके निकाल लो पहले, फिर इसका जो हमें जिस तरह से निकालना है वैसे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, यदि पी क्यू जो है पी एस के ऊपर लंब है और पी क्यू समानांतर है एस आर के, पी क्यू जो है लंब है पी एस पे, देखो पी क्यू अगर पी एस पे लंब है यानी ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है हमें, ठीक है, और पी क्यू जो है समानांतर है एस आर के, तो ये रेखा आगे बढ़ रही है तो एस टी के समानांतर हो गया, चलो ये तो ठीक है। अब एस क्यू आर बीच में क्यू है, तो क्यू पे ये एस क्यू आर, लेकिन यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ आपको देखना है कि एस क्यू आर बोला गया है, तो एस क्यू आर, तो ये कोण 28 का दिया गया है, और कोण क्यू आर टी, क्यू आर टी ये कोण कितने का दिया हुआ है 65 का, ये सब कुछ आपको बुक में ही लिखा हुआ है। हमें तो क्या निकालना है, एक ये एक्स एक ये वाई। अब यहाँ देखेंगे क्योंकि पी क्यू जो है समानांतर है एस टी के, एस आर के समानांतर है, पी क्यू समानांतर है एस आर के, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है समानांतर है एस टी के, क्योंकि ये टी आगे तक बढ़ाई गई लाइन ही है, ठीक है, ये रेखा ही है, तो पी क्यू समानांतर है एस टी के, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस में 28 बराबर में 65 क्यों हो जाएगा, ये देखो दो रेखाएं इसके अंदर इस तरह से काटा हुआ है, जैसे भी काटा है इधर से, और ये कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण, ऐसे ये देखो दो समानांतर रेखाएं हैं, तो इधर का कोण और इधर का कोण एकांतर कोण हो गया, तो x प्लस 28, ये पूरा क्या है x प्लस 28 है, x प्लस में 28 किसके बराबर हो गया 65 के, x प्लस 28 बराबर में 65, x कितना आ जाएगा 28 इधर ले जाके माइनस कर दो 37 आ जाएगा, एक चीज तो निकल गई 37 आ गया। अब ये 37 आ गया, ये 90 पता है हमें, कौन पी क्या पता है 90 दिया हुआ है हमें, क्योंकि बोला है कि पी क्या लंब है, लंब है तो ये 90 है, तो पी 90 है, एक्स हमारा आ गया है, एक्स आ गया 37 और ये 90 है, तो वाई निकाल ही लेंगे, त्रिभुज बन रहा है कौन सा पी क्या एस, तो त्रिभुज पी क्या एस में कौन पी प्लस में ये एक्स लिखेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि एक्स दिया हुआ है हमें, ये कौन पी प्लस एक्स प्लस में वाई, इन तीनों का जोड़ क्या है 180, तो पी कितना है 90, एक्स 37 है, प्लस वाई बराबर में 180, अगले स्टेप में इनको जोड़ लो 7 9 3 12, 127 प्लस में वाई बराबर में 180, वाई आ जाएगा 180 माइनस 127 यानी 53, ये आ जाएगा आंसर। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर